नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल नेको कंचिक्रुस वाई सावित्री में स्वागत है। आज हम बनाएंगे इस हरी मटर से हरी मटर की पूड़ी। हरी मटर की पूड़ी तो इसमें डालने ये लहसुन है, अदरक है और मिर्ची है। इसको हम पीसेंगे, इसमें डाल के पीस लेंगे। उसके बाद हम आगे का आपको और दिखाते हैं। ये मटर पीस ली है। इस आटे में हम ये आटा है, इसमें हम मटर डाल देंगे। मैंने इसमें मटर डाल दी है। इसमें मोहन के लिए 1 चम्मच तेल। तेल डालने से बहुत ही नरम और खुशखुशी बनती है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा और नमक, स्वाद अनुसार नमक इसमें डाल देंगे। ये नमक डाल दिया बस। और आपको जो भी मसाले डालने हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। और ये थोड़ा सा हरा धनिया, ये आलू ग्रेट कर लिए और इसमें मैंने ये हरी धनिया डाल दी है। इसमें थोड़ा तेल लगा के हाथ को साफ कर, ये धनिया काट लिए और आलू ग्रेट कर लिए है। ये सौंफ का भुना, सौंफ का पाउडर और जीरा, भुना जीरा उसका पाउडर, और ये साबुत जीरा, हल्की सी स्वाद अनुसार लाल मिर्ची, और ये नमक डाल दिया है हमने। और अब बाकी मसाले आप जो ज़्यादा कम डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। ये है उसमें भरने के लिए मसाला, जो नाश्ता बन रहा है उसके लिए इसमें ये मसाला है। तो हम चलते हैं इसको मिक्स करके फिर आगे का और प्रोसेस करते हैं। ऐसे ही हम चार पूड़ी, मैंने ये चार पूड़ियाँ इक्वल इक्वल बना ली हैं। अब इसमें हम भरेंगे मसाला, इसको भर दिया है। ऊपर से इस पूड़ी को इसमें रख के इसे बंद कर देंगे। ऐसा बंद करना है टाइटली ताकि ये खुले ना, नाश्ता खुल ना पाए सेकने में। देखिए अब हम इसको बेलन से धीरे धीरे बेलेंगे। देखिए ऐसे ही मैं दोनों पूड़ियाँ ऐसे ही बनाकर आपको फिर दिखाऊंगा हल्के हल्के हाथ से। वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि ये क्या बन रहा है। अब हम चलते हैं तवा के, गैस पर तवा चढ़ा दिया है, गरम हो गया है। तो मैंने डाल दिया। अब इसको धीमी धीमी आंच में हम इसे सिकने देते हैं। इसको ढक दिया 2 मिनट के लिए। देखिए नीचे से सिक गया तो इसको हम पलट देंगे। इसमें अब हम लगाएंगे ऊपर से घी। बच्चों के लिए बढ़िया ये हेल्दी नाश्ता है। मटर भी है इसमें और आलू मसाला भी है। इसे आप क्या बोलेंगे? मैंने तो इसको नाम दिया है आलू परतदार पराठा। देखिए इस साइड से भी सिक गया है और इसमें भी घी लगा दिया। आप चाहें तो इसमें भी तेल लगा सकते हैं या बटर लगा सकते हैं, जो आपको लगाना हो वो आप इसमें लगा सकते हैं। देखिए कितना सुंदर बन गया है, कितना अच्छा दिख रहा है। अब मैं ऐसे ही आपको ये पराठा और सेक कर दिखाती हूँ। देखिए ये दोनों साइड से सिक चुका है, इसको हम निकाल लेंगे। खुला भी नहीं है, देखिए ये भी डाल दिया इसमें। इसको भी हम सिकने देते हैं धीमी आंच में। देखिए ये भी सिक गया है, इसमें भी हम घी लगा देते हैं। देखिए इसको पलट दिया है, अभी इसमें घी लगाना बाकी है।
आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये तो फ्री होता है सब। प्लीज़ आपके ऐसे करने से मुझे अच्छा लगेगा, लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। कैसा लगा है वीडियो आप ये भी बताएं मुझे। आपके बच्चे इसे रोज़ मांग मांग कर खाएंगे, आप एक दिन बनाएंगे तो रोज़ मांग मांग कर खाएंगे। आप ऐसे ही बना दिया करें, इसमें मटर भी है और आलू का मसाला भी है, प्लेन पराठा भी है। आप इसे आप कुछ भी बोल सकते हैं इसे, ये मटर का है, आलू मटर मसाला पराठा हुआ है। राधे राधे। देखिए अब हम आपको गैस को बंद कर दिया है, प्लेट में रख के दिखाते हैं, देखिए कितने नरम, देखिए बिना मेहनत के मटर भी नहीं दिख रही है, आराम से किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप एक बार बनाएंगे तो सभी मांग मांग कर खाएंगे। देखिए ये गर्म है अभी, लेकिन दोनों पराठा बिल्कुल सेम है, बढ़िया मुलायम है। देखिए इसको भी दिखाते हैं, देखिए राधे राधे।